الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. 26वां पारा है ये और सूरह काफ चल रही है और सूरह काफ की ये आखिरी आयत है 41 से 45 तक। अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्तमे यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन करीब। गौर से सुनो उस दिन को जिस दिन के पुकारने वाला पुकारेगा करीब की जगह से। यौम यस्मऊन सैहत बिल हक, जिस दिन ये हक की चिंगार को हक की आवाज़ को पुकार को सुनेंगे। ज़ालिका यौमुल खुरूज, वो दिन कब्रों से निकलने का होगा। इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु व इलैनल मसीर, बेशक हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मौत देते हैं। व इलैनल मसीर, और हमारी ही तरफ सबको लौट कर आना है। यौम तशक्कुल अर्द अन्हुम सिरा, जिस दिन के ज़मीन इन लोगों से फटेगी और वो जल्दी जल्दी से अपनी कब्रों से निकलेंगे। ज़ालिक हश्रुन अलैना यसीर, और ये जमा कर लेना क़यामत के दिन में हमारे लिए बहुत आसान है। नहनु अअलमु बिमा यकूलून, ए नबी जी हम जानते हैं जो कुछ लोग ये बातें कह रहे हैं। वमा अंत अलैहिम बिजब्बार, और आप इनके ऊपर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं। फ़ज़क्किर बिल्कुरआन, आप इस कुरान के ज़रिए से नसीहत करते रहें। मैं यख़ाफ़ु वईद, उस आदमी को जो मेरे आज़ाब से डरता हो। ये आखिरी आयात है सूरह काफ़ की, और सूरह काफ़ का ज़्यादा जो मज़मून था वो मौत और मौत के बाद के जो हालात हैं उनको बयान किया है। आज की जो आयात हैं इसमें भी मैदान महशर के अहवाल को बयान किया जा रहा है, और पिछली आयत में ये बात आई थी वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, जिस दिन के सूर फूंका जाएगा। तो नफ़ा दो दफ़ा होगा, सूर दो दफ़ा फूंका जाएगा, और पहली दफ़ा जब फूंका जाएगा तो सारे के सारे इंसान उस वक़्त मर जाएंगे, और फिर कुछ अरसा तक इसी तरह कायनात में सन्नाटा रहेगा। और फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो उस वक़्त हर इंसान सारे के सारे इंसान भी अपनी कब्रों से निकल खड़े होंगे। तो ये नफ़ा सानिया के बाद दूसरी दफ़ा सूर फूंका जाने का वक़्त को अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि वस्तमे यौम युनादिल मुनादी मिन मकानिन करीब, कि जिस दिन के सूर फूंकने वाला फूंकेगा, पुकारने वाला पुकारेगा करीब की जगह से। ये कौन पुकारेगा? तो उलमा ने लिखा है कि हज़रत इसराफील जो है ये सूर फूंकेंगे, और कौन सी जगह से? तो बैतुल मक़दस के अंदर जो सखरा है जिसके साथ जो अम्बिया अलैहिस्सलातु तस्लीमात जहाँ आते थे और उसके साथ जो है अपनी सवारियाँ वहाँ बांधा करते थे, तो उसके सखरे के वहाँ से जो है ना ये हजरत इसराफील आवाज़ देंगे, और ये आवाज़ ऐसी होगी कि हर आदमी को बराबर आ रही होगी, और हर आदमी ये समझ रहा होगा कि ये आवाज़ मेरे करीब से आ रही है। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर जो है लोग मुर्दे पड़े होंगे, और हर इंसान का जिस्म का जो हिस्सा भी बाकी होगा तो उसी से पूरा इंसान खड़ा हो जाएगा। तो जब ये खड़े होंगे तो ये आवाज़ हर इंसान को ऐसा लगेगा कि मेरे करीब से आवाज़ आ रही है, और उलमा ने लिखा है कि इतना करीब से इंसान समझेगा कि जैसे ये आवाज़ मेरे कान के अंदर आवाज़ दी जा रही है, इतने करीब से हर आदमी को ये आवाज़ महसूस होगी। तो उस दिन कब्रों से उठेंगे। फरमाया यौम यस्मऊन सैहत बिल हक, उस दिन ये चिंगार को सुनेंगे यकीन के साथ। उस वक्त ये हक सामने आ जाएगा। दुनिया में तो आज तो हम सुन रहे हैं ना,
कि क़यामत आएगी, सूर फूंका जाएगा, एक दफ़ा फूंका जाएगा मरेंगे, दूसरी दफ़ा फूंका जाएगा ज़िंदा हो जाएंगे। तो आज तो हम सिर्फ़ अपने कानों से सुन रहे हैं और ज़ुबान से बोल रहे हैं, और वहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि हकीकत के साथ उस चिंगाड़ को फिर सुन लेगा हर इंसान। जो दुनिया में सुना करता था तो वहाँ हकीकत में उसको नज़र आ जाएगा कि वाकई ये तो हो गया है। ज़ालिक यौमुल खुरूज, यही दिन होगा कब्रों से निकलने का। अल्लाह फरमाते इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु व इलैना मसीर, हम ही ज़िंदा करते हैं, हम ही मौत देते हैं, और हमारी ही तरफ सब लौट कर आना है। इंसान को दुनिया में बेजान से अल्लाह ताला जानदार बना देता है, एक मनी के कतरे पर अपनी कुदरत चलाकर उससे जीता जागता और अक्लमंद इंसान अल्लाह ताला पैदा कर देता है। फिर इसी इंसान को दुनिया में अल्लाह ज़िंदा रखता है, और फिर इसी को मौत भी आएगी, और फिर यही इंसान दुनिया आखिरत के अंदर दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। और दुनिया में जिस जिस्म के साथ ये इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है, इसी जिस्म के साथ आखिरत में हाज़िर किया जाएगा। और 29वें पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब जो उंगलियों के जो पोरे हैं, जब इंसान ये खड़े होंगे, तो दुनिया में जो इंसान की उंगलियों पर जो पोरे थे, ये पोरे वहाँ भी इसी तरह से होंगे, इन्हीं पोरों के साथ, इनमें भी तब्दीली नहीं आएगी। इस तरह आपकी कुदरत अल्लाह ताला चलाएंगे। और फरमाया यौम तशक्कुल अर्ज़ अन्हुम सिरा, जिस दिन के इनसे ज़मीन फटेगी सिराअन, तो ये तेज़ी के साथ अपनी कब्रों से निकल कर भागेंगे। ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, हाँ ये जमा कर लेना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम कर लेंगे। जैसे हमने इंसान को पहली दफ़ा पैदा किया, एक नहीं था इंसान तो पैदा कर दिया, फिर जीता जागता इंसान पैदा कर दिया, तो इसको दोबारा मार के हमारे लिए उसको दोबारा ज़िंदा करना क्या मुश्किल काम है। अल्लाह फरमाते हमारे लिए बहुत आसान है ये। नहनु आलमु बिमा यकूलु, इसके बावजूद भी ये सारी हकीकतें जब इन कुफार के सामने बयान हो चुकी, इसके बावजूद भी अगर ये कहते हैं कि नहीं, मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई ज़िंदा करके दिखाओ, तो अल्लाह फरमाते हम इनकी बातें सुन रहे हैं, इनको पता चल जाएगा इन बातों का। लेकिन आपका काम है तबलीग करना, आपका काम है दावत देना। वमा अंत अलैहिम बिजब्बार, आप इनके ऊपर ज़बरदस्ती करने वाले बनाकर नहीं भेजेंगे, आप सिर्फ मुंजिर हैं। आपका काम है कि आखरत के हालात बयान कर देना, जन्नत को खोल के बयान कर देना, दोज़ख के हालात को सामने इनके रख देना, अच्छाई और बुराई का इम्तियाज़ और फ़र्क इनके सामने बयान कर देना, ये आपका काम है। आप इनके ऊपर जब्बार नहीं है, आप ज़बरदस्ती दीन को इनके ऊपर ठोंस नहीं सकते कि ये ज़बरदस्ती मुसलमान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपका काम सिर्फ दावत देना। इससे ये मालूम हुआ कि हम जो भी दुनिया के अंदर दाई है, वाइज है, मुबल्लिग है, उसका काम सिर्फ दावत देना है। वह अच्छी तरह से खूबसूरत अंदाज में नरमी के साथ दूसरे तक दीन की बात को पहुंचा देना, पहुंचा दिया इसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब वो आगे दीन पर अमल करे तो अच्छी बात है, ना अमल करे तो अब उसकी कोई ज़िम्मेदारी दूसरे पर नहीं है। चाहे जन्नत का रास्ता अख्तियार करता है या दोज़ख का रास्ता अख्तियार करता है, उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म होगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कुरान पाक में ये मज़मून बार बार बताया गया है। किसी जगह फरमाया कि आप इन पर वकील नहीं हैं, ज़िम्मेदार नहीं है, किसी जगह फरमाया कि आप इन पर दारोगा नहीं, बल लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, और किसी जगह फरमाया लस्त अलैहिम बिहफीज़, आप इनके निगेबान नहीं हैं, आपका काम दाई है, आप दावत देना है। फ़ज़क्किर बिल्कुरआन मन यख़ाफ़ु वईद, लिहाजा आप इस कुरान के ज़रिए से उनको नसीहत करते रहें। मन यख़ाफ़ु वईद, जो मेरे अज़ाब से जो डरता हो उसको आप नसीहत करते रहें। नसीहत तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हर एक को की है, लेकिन नसीहत से फ़ायदा कौन उठाएगा? जिसके दिल के अंदर थोड़ा सा खौफ होगा, ईमान की रत्ती होगी, अल्लाह ताला का खौफ होगा, वो इस नसीहत से फ़ायदा उठाएगा। तो इसलिए फरमाया कि आपका काम क्या है? ज़िक्र बिल कुरान, इस कुरान के जरिए से लोगों को आप नसीहत करते रहे। जो मान लेगा उसका फ़ायदा होगा, जो नहीं मानेगा उसका अपना नुकसान होगा। तो बहरहाल ये आखरत के हालात अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं और ये होकर रहने हैं। और जो इंसान जिसकी मौत आ रही है, असल जो पूरी कायनात की मौत, वो तो क़यामत का दिन है, वो तो तयशुदा है, वो भी आकर रहेगा। और वैसे जो जो इंसान मरता जा रहा है, फ़कत क़ामत क़यामत, उसकी क़यामत तो शुरू होती जा रही है। इसलिए हमें कोई पता नहीं कि हमारी मौत कब आ जाए, कब हमारी क़यामत शुरू हो जाए। इसलिए उससे पहले पहले अपने गुनाहों पर तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये सूरह काफ़ भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई, कल से इंशाल्लाह अगली शुरू करेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, आप